Today I'm going to talk about Kapil Sharma show. This is a popular show and this is a comedy one. So let's see what are the phrases and what are the vocabulary words which you can use to describe any comedy show. Hello everyone, welcome to my channel. This is Komal from Speak Laughs and today's topic is describe a TV show or series you enjoy watching. Bullet points are what it is about, who acts in it and how often it is on, and explain why you enjoy watching it. Let's move towards my simple answer. I'm a keen watcher of TV and love to watch diverse things like comedy, drama, sports and many more. Keen watcher means main bahut hi zyada jo hu wo TV mein interested hu, main bahut TV dekhti hu. Diverse things means jisme bahut sari variety hoti hai. Like sometimes I like to watch comedy and other time I like to watch drama, sports or any other. So diverse hai meri choice, aisa nahi hai ki ek hi cheez main sirf TV mein dekhti hu. It depends on my mood actually. Aur ye cheez jo hai ye mere mood pe depend karti hai. But yes, there is one show which always rejuvenates me and act as a stress buster for me. बट येस, मैं बेशक जो है वो बहुत डाइवर्स चीजें देखती हूँ, लेकिन एक ऐसा शो है जो कि मुझे रेजुविनेट करता है, मुझे एवरी टाइम जो है वो रिफ्रेश फील करवाता है और ये मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है, जो मेरा स्ट्रेस लेवल है उसको भी ये कम करता है. दिस इज अ कपिल शर्मा शो एंड इट्स अ सिटकॉम. कपिल शर्मा शो ये जो है ये शो का नेम है एंड इट्स अ सिटकॉम. अब सिटकॉम का क्या मतलब होता है? सिटकॉम मीन्स कि कोई ऐसा टीवी शो जिसमें कि करेक्टर जो है वो सेम रहते हैं लेकिन उसकी सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है, सो दैट एक लाफिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो सके. सो सिटकॉम मींस कि सिचुएशन कॉमेडी. ये टू वर्ड से बना है. सिट मींस सिचुएशन एंड कॉमेडी मींस कॉम, सिटकॉम. तो आप किसी भी कॉमेडी शो को जहां पे करेक्टर सेम होते हैं, सिचुएशन चेंज होती है, यू कैन टॉक कि वो जो शो है वो क्या है? सिटकॉम. It is telecasted on Sony channel at 9:30 on weekends. अब ये कब ये जो है टेलीकास्ट होता है और कौन से चैनल पे होता है मैंने वो बताया है. 9:30 means 9:30 पे जो है ये on weekends. Weekends means Saturday and Sunday जो है ये TV पे ये शो आता है. It is hosted by Kapil Sharma who interacts with celebrity guests about their latest films while keeping the audience laughing with his wit, humor and assorted skills. अब ये वाली जो लाइन है इसमें मैंने बताया है कि कौन इसको होस्ट करता है. कपिल शर्मा वो एक्चुअली में करता क्या है, वो इंट्रैक्ट करता है किसके साथ? सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, जो उसके शो में गेस्ट आते हैं उनसे वो टॉक करता है. किसके बारे में? अबाउट द लेटेस्ट फिल्म, जो भी उनकी लेटेस्ट फिल्म होती है. लेकिन वो इस वे से जो है वो टॉक करता है कि जो ऑडियंस है वो हंसती रहती है, लाफिंग विद हिज विट. विट मीन्स जो कि इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस के साथ क्विक जो है वो सिचुएशन के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आंसर करना और इसके साथ जो है वो लाफ को क्रिएट करना. सो दैट इज विट. मींस आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ क्विकली जो है वो फनी एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर रहे हो. ह्यूमर और असॉर्टेड स्किल्स. अब असॉर्टेड का क्या मतलब होता है? असॉर्टेड मींस मिक्सचर. ये नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक ही टैलेंट है, बहुत सारे टैलेंट है. अपने टैलेंट्स को लेके, अपने ह्यूमर को लेके और अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको लेके वो सेलिब्रिटी के साथ बातें करता है अबाउट द लेटेस्ट फिल्म और जो लाफ है ऑडियंस में वो क्रिएट करता है, एक लाफिंग एनवायरनमेंट बन जाता है. दिस शो एंजॉयज मैसिव फैन फॉलोइंग अक्रॉस द ग्लोब. ये वाला जो शो है मैसिव, बहुत ज्यादा इसकी फैन फॉलोइंग है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में. It makes the audience laugh till their stomach hurts. और ये तब तक जो है वो ऑडियंस को लाफ करवाता रहता है जब तक कि उनका पेट नहीं दुखने लग जाता. ये एक मुहावरा है, पेट दुखना means कि आप इतनी जोर जोर से इतनी देर से हंस रहे हो. सो इन इंग्लिश वट यू कुड से टिल देयर स्टमक हर्ट्स. This is a family show and has no vulgarity in it. Now vulgarity क्या होता है कि ये एक family show है, बेशक कि इसमें जो है वो happy environment create किया जाता है according to the situation. लेकिन vulgarity means कि किसी का मजाक उड़ा के ऐसा नहीं किया जाता. ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हंस के, किसी का मजाक उड़ा के फिर जो है वो happy environment create होता है, ऐसा नहीं है. So it's a family show. I'm crazy about the series as I usually have a big boisterous laugh.
बिग बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है बड़ा एनर्जेटिक जो है, बड़ा नॉइसी चीयरफुल जो लाफ है, वो ये वाला शो देख के मैं उसको फील करती हूँ. मोर ओवर ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो बिग फॉलोअर ऑफ द शो. इसके अलावा जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इस शो को फॉलो करते हैं. बिग फैन भी आप लिख सकते हो, बट मैंने क्या यूज किया है, बिग फॉलोअर, ताकि जो रेपुटेशन है वो अवॉइड हो सके. Thus, we spend great time with each other. So this is the show which I binge watch the entire season. So ये जो है इसके साथ मैं एक great, एक quality time जो है वो अपनी family member के साथ spend करती हूँ. इस वजह से I binge watch. Binge watch का मतलब होता है किसी भी activity में एकदम से indulge हो जाना, कोई activity को आप बार बार करना. सो बिंज वॉच मीन्स इसका जो सारा सीजन है मैं कॉन्टिन्यूसली मैंने देखा है, मैंने कुछ भी इसमें मैं मिस नहीं करती हूँ. सो बिंज वॉच मीन्स कि मैं इस चीज को दोबारा दोबारा करती हूँ. आई एम इंडल्ज इन टू दिस एक्टिविटी, दैट इज वॉचिंग दिस शो. ओके, सो दैट वॉज माई सिंपल आंसर. होप यू इंजॉयड इट. इफ यू लाइक एनी पार्ट ऑफ द सीरीज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट द पार्ट 3 क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी डाउट, ड्रॉप योर कमेंट्स. लेट्स मूव.